स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अज है गिल कुराड़ के उत्तर राम राम। मैं परना बहन रहे हो तो मैं ना सोचो मूरा तूड़ी गेड़ नह रहे हूँ भाई साहब। आज जो मैटर चल रहा है SYL का, जो मुद्दा चल रहा है, जो गाना आया उस पर विरोध चल रहा है। कोई तो न्यू कहू भाईचारा ने जोड़ने का काम कर रहा है, कोई न्यू कह रहा है कि यू भाईचारा तोड़ने का काम कर रहा है यू गाना। इसे आप मुद्दा बात करें, मेरे साथ है मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सर जी हैं हरिदनोवा पंजाबी सिंगर। राम राम जी। राम राम जी सबको, सत श्रीकाल जी सारियां। और आज मेरे पास मेरे भाई आया हुआ है, काफ़ी टाइम पहले भी हमने इंटरव्यू किया और बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते भी हैं, ऐसे एक कह सकते हैं फैमिली रिलेशन हम कह सकते हैं भाई के साथ हमारा है। और जैसे बात कर रहे हैं कि SYL गाने के ऊपर, मुझे आज इनका कॉल आया था कि भैया ऐसे ऐसे एक गाना मुद्दा बना हुआ है हरियाणा में विरोध हो रहा है गाने का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विरोध मुझे नहीं पता किस बात का हो रहा है, चलो आपको वो गाने में क्या दिखा है क्या नहीं, मगर मेरा कहने का ये मतलब है कि आपसी भाईचारा हम खराब ना करें। देखिए, गाने वाले जिसने गाना गाया है उसकी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले बहुत है ना हत्याकांड हो गया, बिल्कुल बहुत माहौल खराब है पंजाब का पहले से ही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर SYL गाने से आपको कोई ठेस पहुँची है हरियाणा को, मेरे ख्याल से वो गाना फिर रिलीज नहीं सी करना चाहिए था। आप रोक सकते से गाने को, और उसमें जो वर्ल्डिंग है अगर आपको उससे दिक्कत है, आपको देखिए अगर आपको लग रहा है वो जिसने रिलीज किया है जिसने सुना उसे भी लगता ही होगा कि गाने में कुछ ऐसा है जो 100 आदमी विरोध कर रहे हैं उसके। बिल्कुल, देखो भाई किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा ने पूरा साथ दिया, लेकिन हरियाणा विरोध लग रहा है करने की, मैं छोटा भाई का यूज करके। यार देखिए कि जैसे अब उसकी टीम है पूरी पीछे वर्क कर रही है, सिद्धू मूसे वाला तो अब ठीक है नहीं है रहती है ना, उसकी टीम है पीछे, उनको सोचना चाहिए, उनको पूरा वेरवा करना चाहिए कि ये गाना इस टाइम माहौल है करने का नहीं है। पहले पंजाब का माहौल आपके आपको पता है कितने ही ये हत्याकांड पहले हो चुके हैं है ना, पंजाब का माहौल अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत नाजुक है, और उसके ऊपर ये गाना आना, अब उसका विरोध हरियाणा में भी हो रहा है, और क्या ये मैं सोचता हूँ कि इस बात को यहीं पे ही हम रोकना चाहिए, आपसी भाईचारा खराब हो सकता है इससे। तो भाई देखो एक बार ना, जैसे कि कोई हरियाणा बंदा है तो हरियाणवी ने अच्छी तरह समझा है, आप पंजाब के तो आप पंजाबी ने अच्छी तरह समझो हो, तो उस गाना तो आप के कुछ सुनने मिले आपने और के मेन मकसद है उस गाना का? देखिए मेन मकसद तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जो वो कह रहा है जो गाने में कहना चाह रहा है वो तो कह रहा है सेंटर सरकार को कह रहा है, हरियाणा को नहीं कह रहा वो। मगर आपने कहा कि उसमें एक वर्डिंग जो है कि तुपका नहीं दंदे, वो एग्रेशन वर्डिंग है, मैं समझता हूँ उसमें एग्रेशन है। हाँ, उसका लोगों को विरोध हो रहा है कि भी ऐसे कैसे, एक तो मैं आपसे नॉर्मली कहता हूँ कि मैं आपको पानी नहीं दूंगा, मेरा पहले मुद्दा जो मेरे मुद्दे हैं वो सॉल्व करो, मेरे जो बंदी सिंह हैं उसे रिहाई करो, एक मैं आपको सॉफ्टली कहूँगा, उसमें आपको सॉफ्टली नहीं लग रहा होगा कि उसने कहा अभी मैं तुपका भी नहीं दूंगा, पानी तो बहुत दूर की बात है, तो उसके आप विरोध कर रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए, अब हम अपना हरियाणा ने इतना सपोर्ट किया है किसान आंदोलन में, हम भी जाते रहे आप भी जाते रहे हो है ना, एकता का पूरा सबूत वहाँ पे मिला है हरियाणा का है ना, तो जैसे भी आप उधर के पत्रकार हैं आप भी थोड़ा उधर सच दिखाइए कि उसने सरकार को कहने की कोशिश की है, अपना भाईचारा खराब करने की उसने भी कोशिश नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हो, लेकिन एक टप्पा बोल रखी होती है कि हरियाणा दे दो, हिमाचल दे दो, चंडीगढ़ दे दो, इसमें के है बहुत सारे जो बंदे हैं यूं सोच गए कि भारत तोड़ने की बात हो रही है, तो आप इस बारे में के कहो? नहीं, ये भारत तोड़ने की बात नहीं हो रही, पहले ये एक ही था है ना, कि ये हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ एक ही था, इसके बाद ये आपकी डिवाइड हो गए ना, तो वो ये कहना चाहता है कि हमें पहले फिर एक करो, पहले तो हमें सारा कुछ हमारा वापस दो, हरियाणा भी मेरे में आएगा और वो चंडीगढ़ भी मेरे में आएगा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है गाने के थ्रू कि पहले जब चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब एक था, फिर ये डिवाइड हो गए, चंडीगढ़ अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, वो कहना चाह रहा है कि हमें इकट्ठे करो पहले से, वो ये तोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो ये कह रहा है कि हम पहले जैसे पहले इकट्ठे थे हम फिर से इकट्ठे होना चाहते हैं, बिल्कुल ये कह रहा है। तो आप देखा भाई, जिस तरह श्री बराड़ का भी पहला गाना था किसान एंथम, आपने सुना भी होगा, फिर दूसरा गाना आया उसमें भाई हरियाणा ने कहीं मतलब एक यूज करने वाला शब्द प्रयोग कर रखा है, ऐसा क्यों करने लग रहे हैं भाई ये? देखिए आपने मुझे बताया, मैंने श्री बराड़ का वो गाना भी सुना नहीं है। हाँ जी। उसमें क्या कहा है कैसे कहा है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि सिंगर को और ये राइटर को सोच के लिखना चाहिए। अब ये चल रहा है आजकल कि वो सोचते हैं कि ऐसा कोई वर्ड कोई ऐसी स्टेटमेंट उसमें यूज़ कर दें कि हमारा गाना
वायरल हो जाए, कंट्रोवर्सी में आ जाए, पर वो ये नहीं सोचते कि इससे कितना काम खराब हो सकता है। हाँ। किसी को ठेस भी लग सकती है। राइटर का काम होता है कि सॉफ्टली लिखे, लोगों की बातें लिखे। हाँ। किसी को ठेस नहीं। बिल्कुल। तो उसमें गाना में जिक्र हो रहा है बलविंदर जटालिया का, जिसने मतलब कि इंजीनियर और मजदूरों का कत्ल कर दिया था SYL पर जो काम कर रहे थे। okay. और मुझसे वाला भाई जी कह रहे कि मैं वो बनका जूंगा अगर आप मतलब कि मेरे समस्याओं का समाधान ना करोगे। क्या वो बंदा ठीक था? नहीं, देखिए उसके बारे में आप उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाँ। कहने वाले बड़ा कुछ कहते हैं कि उसने मारा था, क्या किया था, है हाँ। ना वो। और आप सिद्धू मूसेवाले की बात करते हैं, वो शुरू से ही कंट्रोवर्सी में था। हाँ। वो हिट भी कंट्रोवर्सी से ही हुआ है। हाँ। उसके हर एक गाने में ही कंट्रोवर्सी थी, और ये उसे पता नहीं था। उसने ये गाना भी कंट्रोवर्सी के लिए ही किया होगा। ठीक है, जैसे भी उनका नाम लिया, पंजाब में इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, देखते हैं क्या बात निकलती है। तो आपका मतलब कहने का क्या है कि क्या इस टाइम पर यू गाना रिलीज करना चाहिए था ना या नहीं करना चाहिए था? देखिए, गाना अगर आपके पास, मेरे ख्याल से उसके पास और भी गाने उसने किए होंगे। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये नहीं कि SYL ही उसने गाया हुआ है। हाँ, उस और भी गाने हो सकते हैं। और अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपके पास वोकल पड़ी है सिंगर की, आप ऐसी वर्डिंग को स्किप कर सकते हैं, काट सकते थे। काट सकते थे कि आप जैसे अड़ब पंजाबी के ऊपर वो बब्बू, आप सब कह रहे बब्बू मान के ऊपर उसने गा दिया, गलत बोल दिया, और उसको म्यूजिक डायरेक्टर स्किप कर सकता था। हाँ, उसकी वर्डिंग को काट सकता था, जो ठीक ठीक वर्डिंग थी वो यूज़ करें, मगर उनको भी कंट्रोवर्सी चाहिए होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई जी, हरियाणा में आपके भी फैन हैं, तो आप के कहना चाहोगे जो ये मुद्दा चल रहा है फिलहाल? देखिए, हरियाणा का बहुत सपोर्ट रहता है मुझे शुरू से, टॉमी पेपे, काला रंग, ये सनरूफ एक नया चल रहा है, तो आपने बताया था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हरियाणा से, और हरियाणा में मेरे बहुत अच्छे फैन हैं, और आप मेरे हरियाणा से रहे, और मैं हरियाणा को यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ये भी सोचिए कि जो लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, हाँ, वो शायद अपने लिए भी उठा रहे होंगे। हाँ, कि हमारा व्यू, हाँ, वो कोई ऐसी बात वो कहते हैं। हाँ, आप देखते हैं कभी कभी कोई ऐसी वीडियो आती है उस पर लिखा होता है कुछ और, हाँ, अंदर निकलता है कुछ, वो इसलिए वो क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है क्या किसने कहा है, वो तो आपको भड़काएंगे। हाँ, आप भड़को मत, आप प्यार से रहें, सिंगर साहब के साथ हैं। हाँ, आपसे हमें सपोर्ट चाहिए, और हम आपके आपके कारण ही हम हैं। कारण है, बिल्कुल बिल्कुल। आपका भाई साहब सनरूफ गाना जो ट्रेंड कर रहा है, पूरा गाना को नहीं है लेकिन रील बार बार ट्रेंड कर रही है। अच्छा। उसी की दो चार लाइन हो जाए। हाँ, वो गाना सनरूफ मैं आपको सुना देता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले गा के डाला था, वो मैंने लिखा हुआ और म्यूजिक स्ट्रेंजर ने किया हुआ है, वो मैं सुनाता हूँ। तू सनरूफ खोल के उड़ा में जुल्फा ते हैरी दा मखौल दुनिया च उड़दा ओ दो साडे सीने विच पीड़ उठदी जदों कोई अंबरां तो तारा टुटदा। और आगे आगे इसकी वर्डिंग और है, ये पंचलाइन किसी और की है, आईफोन गाना नाम है। हाँ, बिल्कुल। जल्दी रिलीज करते हैं। बिल्कुल। तो आप देखा भाई, आपने बहुत सारे सिद्धू भाई के गाने देखे, उसमें भिंडरा वाला की फोटो देखे जावे है, तो आप इस बारे में के कहना चाहोगे, कैसी विचारधारा रही होगी? देखिए, भिंडरा वाले के आप पंजाब में उसने नहीं, आप देख लिया यहाँ पे हर एक के टी शर्ट पे है ना, भिंडरा वाले का रिस्पेक्ट है, और मेरा कोई मॉल रोड हो सकता है। हाँ, हाँ, मैं किसी को फॉलो करता हूँ, है ना, मैं हो सकता है किसी और को फॉलो करता हूँ। हाँ, अपना अपना फॉलो करने का, हम फॉलो करने से किसी को नहीं रोक सकते। हाँ, कोई भिंडरा वाले को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, है ना, तो ये अपना अपना विचारधारा है, वो कैसे करता है। सिद्धू मूसेवाला भिंडरा वाले जी को फॉलो करता था, हो सकता है कोई नहीं करता होगा, तो इस पे क्या कह सकते, पता क्या बात है। लेकिन उसके कारण जो है बदनाम, तो मतलब कि कहीं ना कहीं पूरा पंजाब हो गया हरियाणा की तरफ, हरियाणा भी ये कह रहा है कि पंजाब ने धोखा कर दिया। नहीं नहीं है, पंजाब आप एक सिंगर के हिसाब से पूरे पंजाब को नहीं ना कह सकते। हाँ। मैं कुछ कह रहा हूँ। हाँ। मैं अकेला कह रहा हूँ। हाँ। मेरे साथ पूरा पंजाब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। मैं अकेला आदमी हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर हाँ। कुछ गलत हरियाणा को बोल रहा हूँ, हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा पंजाब ही बोल रहा है। हाँ। वो एक सिंगर है, उसने एक वर्डिंग अपनी यूज किया, और ये गाना इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि उसकी थोड़े दिन पहले डेथ हो गई थी, और इसलिए ये गाना एक दिन में इतना ज्यादा वायरल हो गया, लोग सुन रहे हैं, इसे उठा रहे हैं हर एक बंदा। मैं बता रहा हूँ आपको इस गाने को क्यों उठा रहा है, हर एक को व्यूज चाहिए, हर एक को पब्लिसिटी चाहिए। हाँ। हर एक को पैसे चाहिए, इसलिए ये मुद्दा ज्यादा गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखा भाई, जिस तरह बहुत सारे कलाकार हैं जो उस टाइम भी मतलब सुधर को नहीं, भाई बिल्ल कार है एक दूसरा ना, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए सिंगर क्या है, सिंगर तो एक एक आप कह दें ना, एक समाज के समाज जो गलत चीज़ें हैं उनको, उनके बारे में बोलो, किसी के ये नहीं है कि आपस में लड़ते रहो कि मैं देख लूंगा वो देख, वो तो हो गया ना कि अनप्रोफेशनल हो गए, मैच्योर नहीं है वो, अभी मैच्योर वाली वो बात ही नहीं है, मैं तुझे देख लूँ, कौन किसी को देख लेगा। हाँ। कोई किसी को नहीं देख सकता, कोई किसी के, वो तो आप सब जानते हैं कि ये बैठते हैं एक जगह पे ही हैं,
मगर ये कंट्रोवर्सी के लिए सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, तो मेरा हरियाणा की तरफ से यू मुद्दा और चल रहा है कि पंजाब के बुजुर्ग सामने को नहीं आ रहे कि भाई आपने यू गाना गलत है या इस गाना को कटवाओ, ऐसा कुछ करो। देखिए अभी तो दो दिन, एक दिन ही हुआ है ना। हाँ। अभी देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। अभी तो देखिए उनके जो फैन थे उनका रिएक्शन आ रहा है। हाँ। अभी बुजुर्गों की तरफ से अभी कोई एकदम रिएक्शन नहीं ना दे सकता। हाँ। अभी गाना पूरा वायरल होगा। हाँ। अभी इस पर बातें चल, आप देख लो हर न्यूज़ चैनल पे इस बात में। हाँ। बात चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं क्या इसका निकलता है। तो आपका मतलब का, आपका भी कहने का मतलब है कि पूरा पूरा गाना कंट्रोवर्शियल है। हाँ, गाना तो कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो भाई लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश यही है कि आपसी भाईचारा बना के रखें, प्यार से रहें और अपने काम में मतलब रखें। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। हाँ जी। आप किसी की तरफ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आप अपनी फैमिली का ध्यान दें। ठीक है, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपनी फैमिली को बढ़िया तरीके से चलाएं। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।